बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11 पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने मतलब वो नेटवर्क और नेटवर्क टाइप्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमने पढ़े हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं पार्ट 3 की तरफ। भी हमारे पास है टॉपिक नेटवर्क टॉपोलॉजीज, कि नेटवर्क टॉपोलॉजीज क्या चीज़ है और हमने क्यों मतलब टॉपोलॉजीज को हमने इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह हमने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास टॉपोलॉजी क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। जब भी आपने नेटवर्क इंप्लीमेंट करना है तो इसके लिए आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, या लॉजिकली आपने इसको क्या करना है डिफाइन करना है, या फिजिकली आपने क्या करना है डिफाइन करना है। तो टॉपोलॉजी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, कि हमारे पास एक नेटवर्क है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके साथ जो मल्टीपल नोड्स होते हैं या जो मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं वो इसके साथ किस तरह कनेक्टेड है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, टॉपोलॉजीज कहते हैं। अब हम आते हैं कि टॉपोलॉजीज के कितने टाइप्स हैं। तो एक होता है लॉजिकल टॉपोलॉजीज, एक होता है फिजिकल टॉपोलॉजीज। लॉजिकल टॉपोलॉजीज का क्या मतलब है, आर्किटेक्चर ऑफ कम्युनिकेशन। आर्किटेक्चर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आर्किटेक्चर ऑफ कम्युनिकेशन ये कि फर्स्ट कर ले हमारे पास एक सिस्टम है और इसके साथ जितनी भी सिस्टम कनेक्ट है तो वो किस तरह इसके साथ क्या करना है, आपने किस तरह कनेक्ट करना है, तो आपने इसके लिए आपने क्या करना है, लॉजिक को आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, लॉजिकल टॉपोलॉजी। लॉजिकल मीन आर्किटेक्चर ऑफ कम्युनिकेशन, आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन के लिए आपने आर्किटेक्चर डिफाइन करना है, आपने इसके लिए लॉजिक डिफाइन करना है, किस तरह हमने इसके साथ ये कनेक्ट करना है और किस तरह हमारे पास ये डेटा शेयर होगा। दूसरा हमारे पास है फिजिकल। फिजिकल टॉपोलॉजी का ये मतलब है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, आपने क्या करना है, फिजिकली आपने क्या करना है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, फिजिकल टॉपोलॉजी। तो हम अब आते हैं कि फिजिकल टॉपोलॉजी हम के हमारे पास पेपर पर कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है बस टॉपोलॉजी। बस टॉपोलॉजी से क्या मुराद है, द बस टॉपोलॉजी इज डिजाइन इन सच अ वे दैट ऑल द स्टेशन आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल नोन एज अ बैकबोन केबल। बस टॉपोलॉजी में हमारे पास इस तरह एक स्ट्रेट केबल होगा, इसको हम बैकबोन केबल भी कह सकते हैं, बैकबोन केबल और स्ट्रेट केबल। आपने क्या करना है, आपने इस तरह एक स्ट्रेट केबल या बैकबोन केबल के साथ आपने मल्टीपल नोड्स को आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, बस टॉपोलॉजी। और बस टॉपोलॉजी इसको हम फिर क्यों कहते हैं, क्योंकि यही हमारे पास क्या होता है, लीनियर होता है, और जब भी हमारे पास नहीं आता इसको, इसका मतलब है कि हमारे पास एक डायरेक्शन है, इस तरह हुआ, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, बस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बस टॉपोलॉजी में हमारे पास दूसरा पॉइंट है, ईच नोड इज ईदर कनेक्टेड टू अ बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली। आप इसके साथ डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं, अगर डाई तो फिर आपने क्या करना है, ड्रॉप के थ्रू आपने इसके साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बस टॉपोलॉजी कहते हैं। When a node wants to send a message over a network, it puts a message over the network all the station available to receive. लेकिन इस टॉपोलॉजी में हमारे पास एक मसला है, अगर ये वाला डेटा सेंड किया तो फिर हमारे पास पूरी हमारे पास जितनी भी सिस्टम है नेटवर्क के तो सबके ऊपर भी हमारे पास ये डेटा शो होगा, मतलब हर सिस्टम इसको रिसीव करता है, तो इसमें हमारे पास ये एक डिसएडवांटेज या इसको हम फॉल्ट भी कह सकते हैं, उसमें हमारे पास एक फेल्यूर भी है, ठीक है इसका। तो जब भी आपने डेटा सेंड किया तो फिर हमारे पास इस सिस्टम पे भी डेटा शो होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, बस टॉपोलॉजी कहते हैं। अब हम आते हैं एडवांटेज की तरफ और डिसएडवांटेज की तरफ, कि हमारे पास बस टॉपोलॉजी के कितने मतलब एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडवांटेज पढ़ते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। लो कॉस्ट केबल। लो कॉस्ट केबल का क्या मतलब है कि अगर आपने बस टॉपोलॉजी इंप्लीमेंट करना तो इसके हमारे पास जो केबल यूज होता है या ये सिंगल केबल होगा या जिसको हम बैकबोन केबल भी कह सकते हैं, ठीक है, या ड्रॉप केबल है हमारे पास या डायरेक्टली आपने सिस्टम इसके साथ करेगा, तो इसके हमारे इसके लिए जो हमारे पास जो केबल यूज होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, लो कॉस्ट होता है, मतलब इसके मतलब इतना महंगा नहीं है, मतलब इसीलिए हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें हमारे पास है मॉडरेट डेटा स्पीड। मॉडरेट डेटा स्पीड का क्या मतलब है, मॉडरेट डेटा स्पीड का ये मतलब है कि इसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, और आपने क्या करना है, जब आपने मतलब इसके साथ जो हमारे पास नोड्स होते हैं 10 5 15 20 एटसेट्रा इतने नोड्स हमारे पास होते हैं, तो इसमें हमारे पास जो स्पीड होता है डेटा स्पीड, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, वो फास्ट होता है, मॉडरेट होता है।
तीसरा इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट है फेमिलियर टेक्नोलॉजी। फेमिलियर टेक्नोलॉजी का ये मतलब है कि इसमें इतना हमारे पास डिफिकल्टी नहीं, एक सिंगल केबल है और इसके साथ आप या ड्रॉप के थ्रू या इसके साथ कनेक्ट कर ले या डर में इसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास क्या है फेमिलियर टेक्नोलॉजी है। लास्ट एडवांटेज हमारे पास है लिमिटेड फेल्योर। इसमें हमारे पास जो फेल्योर के चांस है वो हमारे पास क्या होते हैं कम होते हैं, इसमें ये एक एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, एक्सटेंसिव केबलिंग। एक्सटेंसिव केबलिंग का ये मतलब है कि जब भी अगर आपने इसको एक्सटेंड करना है तो फिर इसके लिए आपने ये केबल खत्म करना है, इसके लिए आपने न्यू केबल आपने लगानी है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास ये एक डिसएडवांटेज। एक्सटेंसिव केबलिंग का क्या मतलब है कि फिर हमारे पास ये केबल इसके लिए मतलब यूज नहीं कर सकते, आपने दूसरा केबल लगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है टर्मिनल पॉइंट होता है। टर्मिनल पॉइंट का क्या मतलब है एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट के बाद फिर हमारे पास आप एक नेटवर्क या इस टॉपोलॉजी का जो इंप्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर हमारे पास है सिग्नल इंटरफेरेंस। सिग्नल इंटरफेरेंस का ये मतलब है कि जब भी अगर आपने यहाँ पे डेटा सेंड करा तो फिर हमारे पास इस पे भी शो होगा, इस पे भी शो होगा, इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, क्योंकि हमने इस इधर पॉइंट पढ़ा है कि ईच नोड इज ईदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली व्हेन द नोड वांट टू सेंड अ मैसेज आर नेटवर्क। जब भी आपने नेटवर्क के ऊपर मैसेज सेंड करा तो इधर भी कॉपी होगा, इधर भी कॉपी होगा, इधर भी कॉपी होगा और इधर भी कॉपी होगा। तो इसमें हमारे पास सिग्नल इंटरफेरेंस आता है। सिग्नल इंटरफेरेंस का क्या मतलब है कि वो चाहता है कि मैं इसको डेटा सेंड कर लूं और फिर वो ये वाला चाहता है कि मैं इसको डेटा सेंड कर लूं। तो इधर भी हमारे पास डेटा फ्लोइंग आ रहा है, इधर से भी हमारे पास डेटा फ्लोइंग आ रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या आता है कंफ्लिक्शन आता है, इंटरफेरेंस आता है। तो इसमें एक डिसएडवांटेज है। अटेंशन का क्या मतलब है कि फिर हमारे पास जो वही बात है कि हमारे पास जो सिग्नल इंटरफेरेंस है तो इसमें ये बहुत ज्यादा मसला है कि आपने क्या करना है अटेंशन, मतलब आपने ऑथेंटिकेशन नहीं करना है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास इसमें ये डिसएडवांटेज है। अच्छा, इसमें एक और डिसएडवांटेज भी है, अगर यहाँ पे हमारे पास ये बैकबोन केबल ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये ब्रेक हो गया तो पूरा सिस्टम मतलब हमारे पास से क्या हो जाता है इन्फेक्ट हो जाता है, मतलब इसमें फिर हमारे पास वो नेटवर्किंग फ्लो या जो डेटा फ्लो होता है वो फिर हमारे पास स्टॉप होता है, ठीक है। या इधर हमारे पास होता है या इधर, तो इसमें हमारे पास ये चीजें क्या होते हैं स्टॉप हो जाते हैं। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। दूसरा जो हमारे पास टॉपोलॉजी होती है वो हमारे पास होता है रैंक टॉपोलॉजी। रैंक टॉपोलॉजी का क्या मतलब है, रैंक टॉपोलॉजी इज लाइक अ बस टॉपोलॉजी बट विद कनेक्टेड एंड्स। रिंग टॉपोलॉजी बिल्कुल हमारे पास बस टॉपोलॉजी की तरह है, लेकिन इसमें हमारे पास स्ट्रेट केबल होगा, सिंगल केबल होगा, और रिंग टॉपोलॉजी में भी हमारे पास इस तरह एक केबल है लेकिन वो हमारे पास रिंग फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने यहाँ पे हमारे पास जो केबल कनेक्टिविटी हो हमारे पास इस सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड है, लेकिन सिर्फ सिंगल नोड, मतलब एक पॉइंट पे हमारे पास वो कनेक्टेड है। लेकिन रिंग टॉपोलॉजी में फिर हमारे पास क्या होता है कि इधर भी इसके साथ कनेक्टिविटी है और इसके साथ फिर इस साइड से भी कनेक्ट, मतलब ये नोड इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है, लेकिन ये नोड सिर्फ हमारे पास इस केबल के साथ कनेक्ट और फिर हमारे पास बाकी नोड भी इस केबल के साथ कनेक्ट है, लेकिन इसमें ये पॉइंट सिर्फ मतलब इससे डिफरेंट है कि ईच नोड इज कनेक्टेड विद अदर नोड्स, इसका ये मतलब है। द नोड दैट रिसीव्ड द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल बी रिट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट नोड। लेकिन इसमें ये एक मतलब फंक्शनलिटी भी है, मतलब या इसमें एक मतलब बस टॉपोलॉजी है क्योंकि ये बेहतर है। तो इस पॉइंट का ये मतलब कि जब भी वो डेटा सेंड करता है तो फिर हमारे पास डेटा इधर रिसीव हो जाता है, जब इधर रिसीव होता है तो फिर वो क्या कहते हैं वो दोबारा रिट्रांसमिट करता है नेक्स्ट नोड का, वो क्या कहता है डेटा सेंड करता है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है। द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, इसमें हमारे पास जो फ्लो ऑफ डेटा होता है वो हमारे पास इस सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, यूनियन डायरेक्शन में होता है, मतलब इस साइड से फिर हमारे पास डेटा इस नोड को फिर इस नोड को फिर इस नोड को, फिर हमारे इसमें क्या होता है यूनियन डायरेक्शन, मतलब वन डायरेक्शन या यूनियन डायरेक्शन होता है। द डेटा फ्लो इन सिंगल लूप कंटिन्यूअसली नाउ एज एंड लूप, इसमें हमारे पास क्या होता है कंटिन्यूअसली लूप इस तरह हमारे पास क्या होता है चलता हुआ, ठीक है। क्योंकि लूप का क्या मतलब है, लूप का मतलब है इस तरह आपने क्या करना है रिपीट करें बार बार, आपने क्या करना है इसको चेक करना है, इसको हम क्या कहते हैं लूप कहते हैं। तो इधर हमारे पास क्या होता है डेटा फ्लो इन सिंगल लूप, इसमें हमारे पास सिंगल लूप है मतलब सिंगल वायर है, मतलब एक नेटवर्क है, तो इसमें हमारे पास डेटा इस तरह क्या करता है मूवमेंट करता है, इसको हम क्या कहते हैं इन लूप कहते हैं। इट हैज नो टर्मिनल एंड, इसमें हमारे पास टर्मिनल एंड क्यों नहीं है, ये इधर अगर हम बस टॉपोलॉजी को देखें तो इसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है और इसके साथ साथ टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट भी हमारे पास मेंशन है।
लेकिन रिंग टोपोलॉजी पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन इसका एंड पॉइंट हमारे पास क्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि ये नोड दो के साथ कनेक्ट, फिर ये हमारे पास, फिर दो के साथ। तो हमारे पास क्या होता है, इधर हमारे पास इसका एंड पॉइंट नहीं है, टर्मिनल पॉइंट इसमें नहीं है, ठीक है। फ्लो ऑफ डेटा इस क्लॉकवाइज, इसमें हमारे पास जब भी आपने डेटा को क्या करना है सिंक का, तो इसका फ्लो जो होगा हमारे पास क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज का क्या मतलब है कि इधर इस तरह हमारे पास होता है, ठीक है, इधर आ इस तरह आ रहा है, फिर हमारे पास दोबारा इस पॉइंट पे आ रहा है। तो इसका क्या मतलब इसका मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड इज टोकन पासिंग, इसमें हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है और वो क्या है, उसमें हमारे पास टोकन पासिंग होता है। और टोकन पासिंग का क्या मतलब है कि जब भी अगर आपने डेटा क्या करना है, आपने डेटा सेंड करना है टू नोड नंबर 5, तो इस नोड का क्या होगा, इसका यही मतलब है कि जिस तरह हमारे पास मोबाइल्स होते हैं या लैपटॉप्स होते हैं या जितनी भी हमारे पास टैबलेट्स वगैरह है, तो हर सिस्टम का अपना मैक एड्रेस होता है। क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। और मैक एड्रेस का क्या मतलब है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मीडिया एक्सेस कोड, इसको भी कह सकते हैं, कोई कहता है कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल या कोई मीडिया एक्सेस कोड होता है, ठीक है। तो हर सिस्टम का अलग अलग क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, और वही मैक एड्रेस को हम फिर क्या कहते हैं, इसका हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन इससे कर दे। तो रिंग टोपोलॉजी में एक ये एडवांटेज है कि हमारे पास यहाँ पे इसमें एक मैक टेबल इस तरह होता है, और इधर हमारे पास होता है कि नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4, नोड नंबर 5। ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए आगे देखता हूँ। और इधर हमारे पास नोड नंबर 1 का फर्स्ट कर ले एड्रेस है 35, तो इसका होगा 37.99 फर्स्ट कर ले। इधर हमारे पास 101, इस तरह हमारे पास 205 है। तो हर नोड का अलग अलग एड्रेस होगा। तो जब भी वो नोड 1 क्या करता है कि मैंने डेटा सेंड करना है नोड नंबर 4 को, तो नोड नंबर 4 का एड्रेस क्या है, 101 है। तो इधर हमारे पास इस मैक एड्रेस में या मैक टेबल में, इसमें हमारे पास क्या होता है, टोकन पासिंग। टोकन पासिंग का क्या मतलब है, इसका मैक एड्रेस होगा। तो इधर हमारे पास मैक टेबल में वो क्या होता है, रिफ्रेश होता जाके, जब भी आपने डेटा सिंक का, तो फिर हमारे पास मैक टेबल में आपने इसको क्या करना है, असाइन करना है। तो इसी मैक एड्रेस के ऊपर आपने क्या करना है, डेटा आपने सिंक करना है। जब भी आपने डेटा सिंक करा, तो इधर से स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज में, फिर हमारे पास जब भी डेटा इधर आ रहा है, तो इसका मैक एड्रेस चेक करता है कि अगर आपका मैक एड्रेस इसके साथ मैच हो रहा है, तो फिर हमारे पास डेटा इधर क्या होगा, कॉपी होगा। अगर इधर नहीं, तो फिर वो दोबारा रिट्रांसमिट करता है, दूसरे क्वेश्चन क्या था कि मेरा मैक एड्रेस है, दूसरे वाले को चेक कर ले। तो इधर वो चेक कर रहा है, इधर भी नहीं तो इधर भी हो रहा है, इधर भी नहीं तो फिर हमारे पास इधर है, तो इसका मतलब है कि इसका मैक एड्रेस इसके साथ मैच हो रहा है, तो फिर हमारे पास इधर क्या होगा, डेटा रिसीव होगा। तो इसके बाद फिर हमारे पास दोबारा जो मैक टेबल होता है वो दोबारा रिफ्रेश होता है, दोबारा आपने स्टार्ट से दोबारा न्यू डेटा आपने सेंड करना है, जिस नोड को भी आपने डेटा सेंड करना है, तो फिर हमारे पास वो मैक एड्रेस में इधर अपडेट होगा। इसके एडवांटेज क्या है कि नेटवर्क मैनेजमेंट, इसमें हमारे पास जो नेटवर्क मैनेजमेंट होता है वो इजी होता है। क्यों इजी होता है कि अगर इधर हमारे पास एक नोड या इस तरह अगर हमारे पास ये नोड आपने इसको क्या करना है, रिमूव करना है, तो फिर इसके लिए आपने केबल कट करना है वायर। तो हमारे पास क्या होता है, इसका जो नेटवर्क मैनेजमेंट है या इसके साथ आपने दूसरा नेटवर्क मतलब जो सिस्टम ऐड का, तो फिर हमारे पास क्या होता है, पूरा सिस्टम मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो नेटवर्क मैनेजमेंट है वो इजी है, क्योंकि हमारे पास सारा कुछ होता है इस केबल के साथ, मतलब हमारे पास ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इधर हमारे पास वो चीजें, अगर आपने डेटा सीखा, तो हमारे पास जितनी भी नोड है, तो हर सिस्टम के ऊपर इसका कॉपी रह जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का ये मतलब है कि अगर आपने रिंग टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करना है, तो इसके लिए जो हार्डवेयर यूज होता है या सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो हमारे पास इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इसका ये मतलब है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कॉस्ट। तो कॉस्ट का क्या मतलब है कि इस नेटवर्क में हमारे पास जो केबल यूज होता है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कोएक्सियल केबल है, तो वो हमारे पास इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आ चुका है, ये मिलता है, ठीक है। मतलब और इसका कास्ट भी इतना नहीं है जिसने हमारे पास अदर नेटवर्क या टॉपर्स के लिए आपने केबल यूज करना है। तो इसका जो केबल होता है वो हमारे पास कोएक्सियल केबल होता है, मतलब इसका इतना मतलब जो कास्ट प्राइस है वो इतना नहीं है। रिलायबल का क्या मतलब है, रिलायबल का ये मतलब है कि अगर आपने इस डेटा इधर इस नोड नंबर 4 को सेंड किया, तो फिर हमारे पास डेटा इधर हमारे पास क्या होता है, रिसीव हो जाता है, क्योंकि बाकी नोड के पास इसका मैक एड्रेस मैच नहीं हो रहा, इसका ये मतलब है। डिसएडवांटेज का क्या मतलब है कि फेलियर
फेलियर का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये केबल ब्रेक हो गया तो इसका इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम हमारे पास क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी इधर पढ़ा कि हमारे पास इसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है या डेटा फ्लो ऑफ डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज का क्या मतलब इस साइड से फिर हमारे पास होता है। अगर इधर हमारे पास इसका ब्रेकडाउन आता है या इधर आता है तो इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम हमारे पास क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, इसमें ये एक फेलियर है। दूसरा इसमें हमारे पास है रिकन्फिगुरेशन। रिकन्फिगुरेशन का ये मतलब है कि जब भी अगर यहाँ पे हमारे पास इस तरह नेटवर्क ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है और इसमें आपने दूसरा नोड या मतलब न्यू नोड आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको इंसर्ट करना है, तो इसके लिए आपने दोबारा रिकन्फिगुरेशन करना है। रिकन्फिगुरेशन का क्या मतलब है कि इधर इधर हमारे पास जो मैक टेबल होते हैं इसमें आपने इसका एंट्री करना है, दोबारा आपने पूरा रिकन्फिगुरेशन करना है, केबल कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ आपने करना है। डिले का क्या मतलब है, डिले का ये मतलब है कि इसमें अगर आपने जितनी भी आप नोड ज्यादा करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आता है, डिले के चांसेस मतलब आ रहे हैं। इसका डिले का क्या मतलब है कि इसमें फिर हमारे पास जो डेटा स्पीड होता है वो हमारे पास स्लो होता है, क्योंकि इधर हमारे पास चेकिंग हो रहा है कि इसका मैक एड्रेस ये वाला है, फिर हमारे पास जितनी भी आपने नोड ज्यादा कर इसके लिए हमारे पास क्या होता है, जो टाइम मतलब जो मैक एड्रेस चेकिंग है या टोकन पास चेकिंग है उसमें हम इसके ऊपर टाइम लगते हैं, तो इसी वजह से फिर हमारे पास क्या इसमें डिले आती है। डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग। डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग का ये मतलब है कि अगर जब भी हमारे पास इसमें जो नेटवर्क मतलब इंटरफेरेंस आता है या मतलब जो सिग्नल इंटरफेरेंस आता है या मतलब यहाँ पे हमारे पास जो डिले आते हैं तो इसका अगर आपने मतलब ट्रबल शूट करना है तो फिर इसका डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि इधर आपने एक एक सिस्टम को चेक करना है कहाँ पे हमारे पास मसला आ रहा है, इस सिस्टम में मसला है या इस सिस्टम में मसला है, इस सिस्टम में मसला है, इस सिस्टम में मसला है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास जो बस टॉपोलॉजी में इसमें हमारे पास ये सिस्टम खराब है तो इसका मतलब है कि आपने इस सिस्टम को खत्म करना है, तो इसके साथ ही बाकी भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इधर हमारे पास इस तरह नहीं है, अगर यहाँ पे इस सिस्टम में मसला है तो आप इसको इजीली रिमूव कर सके, बाकी आपने डायरेक्ट इसके साथ ही कनेक्ट करना है और फिर आपने दोबारा रिकन्फिगुरेशन करना है, इसमें ये एक फंक्शनैलिटी है। लेकिन इस डिफिकल्ट ट्रबल शूट का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे सिस्टम खराब हो गया तो फिर आपने इसको क्या करना है, सर्च करना है, फाइंड करना है, फिर आपने दोबारा इसका रिकन्फिगुरेशन करना है। तो ये था हमारे पास पार्ट थ्री नेटवर्क टॉपोलॉजी। हमने टॉपोलॉजी डिस्कस की, टॉपोलॉजी क्या है, लॉजिकल टॉपोलॉजी क्या चीज है, फिजिकल क्या चीज है, फिर हमने बस टॉपोलॉजी डिस्कस की और इसके साथ साथ हमने रिंग टॉपोलॉजी डिस्कस की। इसके बाद जो लेक्चर होता है वो हमारे पास लेक्चर 11 पार्ट 4 होगा और वो इसमें हमने स्टार्टअप टॉपोलॉजी और मिस टॉपोलॉजी को हमने डिस्कस करना है। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।